आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा तो नहीं, छोटा छोटा लक्ष्य लेकर चलते हैं अपने एग्जाम की तरफ। और ये जो भी वीडियो है, तीन एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है। एक तो आपका ग्रुप डी, ठीक है, ध्यान से देखना। दूसरा आपका एसटीसी और तीसरा आपका एनटीपीसी। और एसटीसी में भी जो आपका बहुत डिमांडेड ट्रेंडिंग एग्जाम है, आपका कौन सा तो ट्रेंडिंग लिख रहा हूं, आपका सीएचएसएल, ठीक है। ये तीन एग्जाम को जो है वो टारगेट कर ये वीडियो बनाया जा रहा है। छोटे छोटे चीज को लेकर चलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, आज आपका संडे है, कल आपका मंडे है, तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक यानी फ्राइडे तक हम सभी क्या पढ़ेंगे, आपको कौन कौन सा टॉपिक पानी की तरह जो है वो क्लियर करवाया जाएगा, एक एक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ, उसका आप एक बार डाटा देख लेना। और हाँ, सीरियस होकर पढ़ाई करिएगा, मेहनत कर ताकि इस हफ्ता, ये हफ्ता चला गया तो दोबारा आपके लाइफ में नहीं आया, क्योंकि आप सभी को पता है टाइम का यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। एक बार समय चला गया तो वो दोबारा समय आपके साथ आपके पास नहीं आएगा। आप जितने भी रोते रह जाएंगे, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। मौका मिल सकता है लेकिन ये टाइम नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान से देखना इस हफ्ते हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक चीज को। पहले आप क्लास का टाइमिंग देख लो ताकि आपका क्लास जो है ना वो एक भी क्लास मिस ना हो। और आप ये ना बोलो कि भैया मेरे फोन में नोटिफिकेशन नहीं गया तो मेरा क्लास जो है वो मिस हो गया। एक बार पहले क्लास देख लो, टाइमिंग देख लो, ताकि टाइमिंग पर एक बार सक्सेस की 98 चैनल को खोलकर अपना क्लास जो है वो आप सभी अटेंड कर लो। एक बार आप सभी टाइमिंग देख लीजिएगा, ये वाला देखो, आपके पास पूरा टाइम लगा दिया गया है ताकि आपका, देख पा रहे होंगे, करेंट अफेयर सुबह में 4:30 बजे होता है, उसके बाद से प्रीवियस ईयर जीके और जीएस के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो सभी पसंद कर रहे हैं, वो 4 बजे, मैथ 6 बजे, रीजनिंग 10 बजे, जीएस 2 बजे, और करेंट अफेयर पूरे साल भर का जो रिवीजन है करेंट अफेयर, वो रात को 11:30 बजे। अब बात करते हैं एक एक चीज को लेकर। आप सभी को पता है जो जीके और जीए का क्लास है प्रीवियस ईयर का, वो 4 बजे क्लास होता है शाम को। तो ये जैसे क्लास है वो आपका सेम क्लास चलेगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, साइड में थोड़ा लिखेंगे। तो 4 बजे वाला क्लास में तो कोई चेंजिंग नहीं है आपका जीके प्लस जीए वाला, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के, दिख रहे हैं ना, नहीं दिख रहा है, हल्का सा नीचे लिखेंगे। यहां पर आते हैं तो आप सभी को पता है ये जीके दिख रहा है ना, अभी दिख रहा है, प्लस जीएस, ये शाम को 4 बजे ये क्लास वैसे ही चलेगा सेम टाइमिंग पर। और करेंट अफेयर रोज का सुबह 4:30 बजे ये भी चलेगा। करेंट अफेयर पूरे साल भर का बेहतरीन तरीके से पीडीएफ के साथ रात को 11:30 बजे चलता है, वो भी आपका चलेगा, ठीक है। और जीएस जनरल साइंस भी आपका 2 बजे जो चलता है वो आपका चलेगा। बाकी बात करते हैं मैथ और रीजनिंग को लेकर, तो ध्यान से देखना इस चीज को। सोमवार से शुक्रवार की बात कर रहा हूं, शाम को 6 बजे आपका जो है वो क्लास होता है। अब एक बात आप नोट कर लेना यहां पर, सभी को जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, यहां पर मैं लिखूंगा मंडे सोमवार से लेकर बुधवार तक, ये 3 दिन यानी सोम मंगल बुधवार तक आपका एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा, पूरे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, और सारे क्लास जो है वो लंबा लंबा होने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा ना, मुझे पूरा विश्वास है इसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरा ये टॉपिक अधूरा रह गया, हमने सीखा नहीं। छोटा छोटा टारगेट लेकर चलते हैं, ठीक है। आप देखो यहां पर आपको ना टाइम, डिस्टेंस और आपका स्पीड यानी समय, दूरी, चाल जो चैप्टर है वो आपका पूरा अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा। ये 3 दिन अगर क्लास देख लेते हो शाम को 6 बजे, तो आप बोलोगे भैया इस हफ्ते मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो मैं छोड़कर कम से कम नहीं आऊंगा। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और न्यू पैटर्न के क्या क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा, एक बार क्लास अटेंड करके जरूर देखना। अब बात करते हैं रीजनिंग के बारे में, जो रात को आपको 10 बजे होता है, तो रीजनिंग का भी आप एक बार नोट कर लेना, रात को 10 बजे, ठीक है। इस सेम आपका है यहां पर रीजनिंग का देखना, ये भी
बाकी दिन क्या होगा मैं बताऊंगा अभी। मंडे टू आपका वेडनेसडे, इस तीन दिन में आपको एक टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा, वो भी पानी के तरह। और बहुत जन को डाउट रहता है इस टॉपिक में, वो टॉपिक क्या है हमारा, सिलोगिज्म। जहां से भी आप पढ़े हैं बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ ये टॉपिक आपका क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारे पास दो दिन का समय इस हफ्ते में आने वाले, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अब ये दो दिन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये दो दिन जो है ना मैथ और रीजनिंग में आपका जो होगा वो टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, ठीक है, जहां पर आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेगा, वो भी पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न वाला क्वेश्चन, जहां पर अपने आप को आप जज कर पाओगे कितना सही और कितना कर पा रहे हैं, ठीक है ना। ताकि एक मिक्सअप लेकर चलूं, चैप्टर भी क्लियर हो रहा है, प्लस आपका मॉक टेस्ट जो मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट है वो भी आपका चल रहा है, सेम मैथ और रीजनिंग का। तो दो दिन मैं रखा हूं जहां पर आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि जब मिक्स क्वेश्चन आता है तब बहुत जन हड़बड़ा जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहां पर अपने आप को जज करना है कि कितने क्वेश्चन आंसर मैं सही कर पा रहा हूं मॉक टेस्ट में, ठीक है ना। बहुत छोटा सा उम्मीद लेकर चले, एक एक, क्योंकि एग्जाम में बहुत टाइम है, अपना एक एक चैप्टर पर पानी के तरह कमांड लेकर आना है। अगर मान लो सिलोगिज्म आप नहीं पढ़े और ये आपको बराबर दिक्कत है कि नहीं हुआ सिलोगिज्म समझ में, मैं नंबर नहीं उठ पाता है, तो इस हफ्ते तीन दिन टाइम दो, आधा आधा एक एक घंटा लेकर तीन दिन में देखेंगे जिस टॉपिक से आपको डर लग रहा था, और कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो वो डर इस हफ्ते यानी इस हफ्ते ही खत्म हो गया जो डर बहुत दिन से लगा रहता था मेरे अंदर। और इतना गारंटी के साथ बोल देना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। जिस दिन एग्जाम होगा इसी तरह जिस दिन एग्जाम होगा रिव्यू दूंगा और आपके बीच में रहूंगा और आपको बोलूंगा, देखो सिलोगिज्म का इस प्रकार का सवाल मैंने आपको पानी के तरह समझाया था और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। तो नोट कर लेना और डेली आपको देख लो, ज्यादा टाइम नहीं देना है। यहां पर देखोगे आपको देना है यहां पर आधा घंटा, इस क्लास में 10 मिनट देते हैं आप सभी, 40 मिनट मानकर चलो। यहां पर ये क्लास लंबा होता है क्योंकि यहां पर मैं पूरा कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पूरे करंट अफेयर रिवीजन करवाता हूं एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। तो एक घंटा 40 मिनट ये हो गया, यहां पर आधा घंटा, ठीक है, तो 2 घंटा 20 मिनट ये हो गया आप सभी का। मैथ रीजनिंग आप जोड़ लोगे दोनों क्लास को तो मानकर चलो आपका मोटा मोटी 1.5 घंटा, तो आप बोल सकती हो कितना टाइम हो गया, यानी मोटा मोटी आप 4 घंटे से भी जो है वो कम समय दे रहे हैं, अप्रोक्स 4 घंटा ही मानकर चलो, यानी 24 घंटा में 4 घंटे अगर आप डेली दे रहे हैं तो आपका देखो ये भी बहुत सारे टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है, ये आपको लेकर चलना है। और आप एक हफ्ते के बाद आप मुझसे मिलिएगा और मैं रिपोर्ट कार्ड आपसे मांगूंगा, आप बोलेंगे पक्का भैया इस हफ्ते जो आपने प्रिपरेशन करवाया उसमें कम से कम आप जो टॉपिक बोले वो टॉपिक मेरा क्लियर करवा चुके हैं आप सभी। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, डेली आप एक टेस्ट जरूर लगाना, मॉक टेस्ट, जाकर एप्लीकेशन में ऑनलाइन, हमारे एप्लीकेशन पर भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो है सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, वो जरूर देना है। और कल के वीडियो मैंने बताया था उसका फायदा क्या है, वो सही देने का तरीका क्या है, वो आपको डेली करना है, क्लास अटेंड करना है, प्लस वो तो देना ही देना है। और देना है मतलब कल के वीडियो मैंने बताया था देने का सही मतलब क्या है, सही टारगेट क्या है, हमको पहुंचना कहां पर है, वो सब कुछ डिस्कस कल वाले वीडियो में किए थे। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर एक बार देख लीजिएगा, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देखना आप सभी। तो कल मिलते हैं आप सभी के साथ हर एक क्लास के साथ, ठीक है। इस हफ्ता आप सभी एक बार साथ में रहो, देखोगे भैया उसके बाद शनिवार को मैं मिलूंगा और आपसे पूछूंगा कि जो टॉपिक इस बार करवाए थे इस हफ्ते में आपका कितना रिपोर्ट कार्ड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। चलो गुड नाइट एवरीवन, अपना ख्याल रखना और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।